मेहनत फेर करो दे खट खटाए। फिर राधा रानी बोले कोसी तुम कौन हो? कृष्ण बोले और एक नाम, बोले मेरा नाम चक्री जिसका हाथ में सुदर्शन चक्र। उन्हें राधा रानी दूसरा अर्थ करते चक्री मतलब क्या? आप देखना जब कोई हाड़ी, जब मिट्टी का जो हाड़ी बनता है ना कलसी बनता है सकोड़े, वही एक चक्र होता है, उसी को ऊपर चढ़ाकर बनाते हैं। राधा रानी बोली मेरे घर में कोई शादी विवाह थोड़ी, नया नया बर्तन लगेगा हाड़ी की जरूरत नहीं, जहाँ शादी विवाह वहीं पर जहाँ चक्री वहीं पर चक्का घुमाओ। कृष्णा बोले ये क्या हो रहा है? फिर बोले थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे खटखटा, बोले कोसी बोले तुम कौन हो? कृष्णा बोले और एक नाम बोलूंगा, मेरे नाम घनश्याम है। घनश्याम मतलब जिनका शरीर का रंग कैसे है काला मेघ जैसे। बोले घनश्याम अरे बारिश, ये बारिश खेती में करो जाकर के, यहाँ पर क्यों बारिश करोगे? टीचर टीचर हो जाएगी वहीं पर जाकर बारिश करो जहाँ पर खेती हो रही है। इतने में कृष्णा बोले क्या किया जाए? फिर थोड़ी देर बाद में फिर दरवाजे खटे, बोले कोसी बोले तुम कौन हो? कृष्ण बोले और एक नया नाम सुना। बोले क्या? बोले बोले मेरा नाम मधुसूदन। मधुसूदन मतलब क्या? भक्तरूपी, भक्तरूपी जो मधु जो प्रेम को जो आस्वादन करते हैं, है? जो मधु का आवरण करते हैं। इतने में राधा रानी बोले ये कहाँ से आ गए? ये मधुमक्खी कहाँ से आ गया? मधुमक्खी मतलब मधु को जो आस्वादन करते। बोले मधुमक्खी काट जाएगा तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा खाट नहीं खोली काट जाएगा। अभी कृष्ण जितना नाम बोले ना राधा रानी सबके सब दो दो अर्थ निकाले। लास्ट में कृष्ण हार गए। जब हार गए बोले राधे मैं हार गया, तू जीत गई, तेरी ही जीत, दरवाजा तो खोल। बड़े कष्ट से राधा रानी दरवाजा खोली, पर राधा कृष्ण का मिलन हुआ। इसलिए साल का नाम भी कोसी। यहीं पर कृष्ण कोकिल स्वर से राधा रानी को बुलाया करते थे, यहीं पर राधा कृष्ण का मिलन हुआ करती थी, इसलिए ये स्थान का नाम कोकिल वन है। कोकिल स्वर से कृष्ण बुलाते थे कि पास में कृष्ण बलराम कुंड भी है, पास में रत्न कुंड भी है जिसमें दूध से कुंड बना हुआ था, जिससे हीरे जवाहरात रत्न जहाँ से निकलता था, कुंड से अपने आप वहां से रत्न निकलता था, जिसमें कृष्ण राधा रानी सखियां जिसको व्यवहार करते थे। इसलिए लीला स्थली बड़ी सुंदर है। यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, लेकिन शनिदेव के बाद में यहाँ पर कोई लाया गया, लेकिन शनिदेव का मंदिर पहले नहीं था। शनिदेव उसको पर आक्रांत करते हैं जिसने भगवान की भजन नहीं करते, लेकिन जो भगवान की भजन करते हैं ना जितने ग्रह है उसका सबके सब अनुकूल हो जाता है। क्योंकि कल सुन रहे थे ना कृष्ण कौन है? समस्त कारणों का कारण है। इसलिए जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। इसलिए हम लोग तो कृष्ण को भक्ति करने वाले हैं। ठीक है, बोले हरे कृष्ण।